देखिए, मैं आज पुनः निवेदन करता हूं, हमारा आपका जन्म सत्य सनातन धर्म में हुआ है, तो अपने धर्म में रहना, अपने संस्कार में व्यवहार करना और जो भी विधि है, वैदिक नहीं तो पौराणिक, पौराणिक नहीं तो साधु सम्मत, नहीं साधु सम्मत तो लोक सम्मत, इसका हमको आपको पालन करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भयावह है, दूसरे के मार्ग में नहीं देखना चाहिए, अपने घर में देखना चाहिए, अपने परिवार में देखना चाहिए, और जिसमें जन्म लिया है उसी में जीवन को ठीक प्रकार से जीने का यत्न करना चाहिए। ये मनुष्य के लिए शक्य भी है, योग्य भी है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक वर्धक है, त्याग हो करहु क्या विश्वास करके गोस्वामी जी कहते हैं, राम पद अनुराग अनुराग हो, भगवान के पद में प्रेम करो। दर्शन भी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में, सनातन संकेत में जो भगवान देवता हैं उनके दर्शन करना चाहिए। जैसे बात कठिन है, आप मानेंगे नहीं, शनि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भाम शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, इनका दर्शन करने का महिमा नहीं है, इनका पूजन का महिमा है। लेकिन हम तो देख रहे हैं शनिवार का दिन है, शनिश्चर महाराज के यहाँ लंबी लाइन लगी। अरे क्या है, डर के मारे कहीं शनिश्चर हमारे खोपड़ी बना सवार हो जाए। शनि ग्रह किसी को अशांत नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। जब तक राहु और केतु इनके साथ नहीं बैठेंगे, शुक्र नहीं बैठेगा, क्योंकि शुक्र असुरों का गुरु है। ये तीन श्रेष्ठ ग्रह नहीं माने जाते हैं, निम्न ग्रह माने जाते हैं। कौन? राहु केतु और शुक्र। ये जब शनि के साथ बैठ जाएं तो उत्पात प्रारंभ कर देते हैं। आइए, जितने भी ग्रह हैं ये सब केवल और केवल श्री हनुमान जी से घबराते हैं। इसलिए कहा है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहु को डरना, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब आश्रय करे। श्री हनुमान जी का आश्रय करिए। पूजन नवग्रह का होता है, दर्शन नवग्रह का नहीं होता है। को समझावे बुरा मान जाते लो। यही नहीं, नवग्रह का दान कर दीजिएगा तो सब स्वीकारते भी नहीं है। पंडित जी भी पूजा कराते हैं, नवग्रह का फल दक्षिणा दोनों नहीं छूते हैं। अरे महाराज, ये भी ले जाओ, हमारा नहीं है, किसी को दान कर दीजिएगा, जो लूला लंगड़ा हो उसको दे दीजिएगा। क्यों इतना डरते हो? हाँ, पंडित जी भी डरते हैं नवग्रह से, आप नहीं उठाएंगे। अरे महाराज, एक सौ एक रुपया, अरे 500, टांग टूट जाएगी हमारी, घबराते हैं पंडित जी। इसलिए नवग्रह का पूजन सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, ये विधि है और जानना भी चाहिए, मानना भी चाहिए, बुरा नहीं है, अवश्य जानना चाहिए, अवश्य मानना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग, प्रेम करिए राम कृष्ण में, प्रेम करिए भगवान शालग्राम, भगवान शिव, आदि शक्ति माँ जग जननी, गणपति भगवान और सूर्य नारायण, इनकी पूजा करिए। ये पंच देव सनातन धर्म के मूल देवता हैं, शेष इन्हीं में है समाहित है। गोस्वामी जी कहते हैं, जातिहीन
अघजन्म मही मुक्त के असिना महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु जाति की हीन बिल्कुल में जन्मी पाप की जन्मभूमि जहां पशु पक्षी ही भक्षण किए जाते थे ऐसी मैया शबरी को भगवान ने मुक्त कर दिया। अपने मन से गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे भगवान को छोड़कर कहां दुनिया में सुख ढूंढता है, भगवान की शरण से अधिक सुख कहीं नहीं। बस मिलेंगे कैसे, जीवन के हर अंग हर अवसर हर वय को निर्मलता प्रदान करिए। हमने आंगन कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी, कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं
के खोल देख लो ईश्वरी पास मिलेगा। अंदर के बट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं पुकारा, नहीं पुकारा, सबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह